सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जहां एक तरफ इस समय वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लगातार जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे सुनकर आधा भारत देश तो सदमे में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक युवराज सिंह ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर मीडिया में आई तो उसके बाद तो जैसे किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अब युवराज सिंह का यह संन्यास का इंटरव्यू इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवराज सिंह यह साफ तौर पर कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब दबाव में आकर संन्यास ले ही लिया है। दोस्तों यह दबाव ही तो था, युवराज सिंह को काफी लंबे अरसे से भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं दिया गया। इस खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके अभी दिखाया और सभी फिटनेस टेस्ट भी पास किए, लेकिन बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता थे कि युवराज सिंह को टीम से बाहर करने की फिराक में थे और अब युवराज सिंह ने ही संन्यास लेकर सब कुछ खुद ही छोड़ दिया है। और दोस्तों युवराज सिंह के कुछ इस तरीके से अचानक संन्यास लेने के बाद तो जैसे कि मानो सोशल मीडिया पर आग ही लग गई। आज भारतीय टीम से जुड़े लगभग हर एक छोटे से लेकर बड़े खिलाड़ी ने भी युवराज सिंह के साथ अपनी तस्वीर को पोस्ट किया और युवराज सिंह के साथ अपनी कुछ मीठी यादों को भी साझा किया। हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह कितने ज्यादा हरफन मौला खिलाड़ी थे। वह हर समय किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ मजाक करना पसंद करते थे, साथ ही भारतीय टीम की मैनेजमेंट से लेकर सभी खिलाड़ी भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे और शायद यही वजह है कि वह सभी खिलाड़ियों के चहेते व सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी थे। जब ऐसा खिलाड़ी संन्यास ले ले तो उनके करीबी दोस्तों का भावुक बयान तो बनता है। दोस्तों युवराज सिंह के करीबी दोस्त सुरेश रैना, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली एबी डिविलियर्स और भारतीय टीम की सलामी जोड़ी के बल्लेबाज रोहित शर्मा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कप्तान कोहली की। कोहली ने तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया युवराज सिंह के बारे में। उन्होंने लिखा कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आपका अनुभव ही काफी है किसी युवा खिलाड़ी को प्रेरित करने के लिए। मुझे यकीन है कि संन्यास के बाद भी आपको जिंदगी में इसी तरीके से सफलता मिलती रहेगी। आपने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक रेवोल्यूशन लाया जिससे कि कहीं न कहीं क्रिकेट को देखने के नजरिए ही बदल गए। हम आपको जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। दोस्तों सुरेश रैना की बात करी जाए तो सुरेश रैना अपने ट्वीट में काफी ज्यादा भावुक दिखे। सुरेश रैना ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्रिकेट के करियर में अगर मुझे किसी खिलाड़ी का सबसे ज्यादा साथ मिला है तो वह हमेशा आप थे युवराज सिंह। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वक्त वक्त पर जब भी मुझे जरूरत थी हमेशा मुझे सहारा दिया। हम दोनों ने साथ में अपने करियर की चढ़ाई देखी और हम दोनों ही टीम से बाहर हैं। मुझे नहीं पता कि यह इत्तेफाक है क्या, लेकिन आपके संन्यास का दुख मुझे जरूर है। दुआ करता हूं कि आपको ऐसे ही जिंदगी में सफलता मिलती रहे। दोस्तों सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से एबी डिविलियर्स का ट्वीट भी युवराज सिंह के लिए आया है। आपको बता दें कि डिविलियर्स ने अपने बयान में लिखा, युवराज सिंह आप भारतीय टीम के वो नगीने हैं जो कि हजारों में एक होता है। आपको अपना दोस्त कहने में ही मुझे काफी ज्यादा गर्व महसूस होता है, साथ ही आपका नाम ही काफी है किसी खिलाड़ी को बताने के लिए कि आपकी पहचान क्या है। अपने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट के सारे नजरिए बदल दिए, कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया और कई अनुभवी खिलाड़ियों को भी सिखाया कि आखिरकार उनकी गलतियां क्या है, जिनमें से मैं भी एक था। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आपका हरफनमौला मिजाज आपके रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगा और आपको जिंदगी में सफलताएं मिलेगी। दोस्तों रोहित शर्मा का ट्वीट सबसे ज्यादा भावुक था। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने युवराज सिंह के लिए लिखा, यह ट्वीट लिखते समय तक मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि युवराज सिंह अब क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले चुके हैं। मेरे अजीज दोस्त, मेरे सबसे खास खिलाड़ी और सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो कि भारतीय टीम के लिए रहे हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। शायद आपके लिए मैं इस छोटे से ट्वीट में चाहे जितनी मर्जी लंबी चौड़ी लाइनें लिख दूं, सब कुछ आपके रुतबे के आगे छोटा है। साथ ही जब भारतीय टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मौत का रास्ता चुनकर भी आपने अपनी टीम को जिताया। आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं और दुआ करता हूं कि जिंदगी में आप आगे भी खुश रहेंगे। दोस्तों इन चारों ट्वीट में से रोहित शर्मा का ट्वीट तो रुला देने वाला था। आखिरकार इस समय सारा देश भावुक भी है क्योंकि युवराज सिंह ने कुछ इस तरीके से संन्यास जो लिया है। दोस्तों युवराज सिंह ने अपने इंटरव्यू में कुछ बदसलूकी की भी बात की। यो टेस्ट पास करने के बावजूद बीसीसीआई की टीम अब मन बना चुकी थी कि युवराज सिंह को वो टीम में नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने निरंतर युवराज सिंह की वापसी को लेकर खिलवाड़ किया या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में युवराज सिंह ने क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेकर सभी को चौंका कर रख दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में युवराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें युवराज सिंह ने संन्यास की घोषणा कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। लेकिन दोस्तों अब युवराज के संन्यास के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिरकार अब युवराज सिंह की जगह लेगा कौन। हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह भारतीय टीम के लिए एक जोरदार बल्लेबाज की भूमिका निभाते थे। वह मिडिल ऑर्डर की भारतीय टीम की तो रीढ़ की हड्डी थे और वह जब भी मैदान पर आते तो एक तूफानी पारी खेलकर ही वापस लौटते थे। ऐसे में इस तूफानी बल्लेबाज की जगह आखिरकार अब भारतीय टीम में लेगा कौन। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, युवराज सिंह ने अपने इस बयान में खुद ही उस खिलाड़ी का नाम बता दिया है जो कि अब उनकी जगह भारतीय टीम में लेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक घंटे चले लंबे इस इंटरव्यू के दौरान युवराज सिंह ने उस खिलाड़ी का नाम लिया जो कि उनकी जगह उनके नजरिए से भारतीय टीम में लेने का तो दम रखता है।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारतीय टीम के उभरते सितारे विकेटकीपर व बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत के बारे में बातचीत करते हुए युवराज सिंह ने खास तौर पर कहा कि मुझे काफी खुशी होगी अगर मेरी जगह टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मेरा इस बात में अटल विश्वास है कि अगर युवा खिलाड़ियों को मेरी जगह मौका दिया जाएगा तो वह जिम्मेदारी से भारतीय टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना समझेंगे। और जब युवा खिलाड़ियों की बात आती है तो सबसे पहला नाम मेरे सामने आता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत भले ही वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन इस खिलाड़ी में इतनी क्षमता है कि वह मेरी जगह लेने का तो दम रखता ही है। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। अपने करियर के शुरुआती दौर में मैं भी इसी तरीके की तूफानी बल्लेबाजी करता था और मैं जब जब ऋषभ पंत को देखता हूं तब तब मुझे मेरे पुराने युवराज सिंह की याद आती है। मुझे पसंद है जिस तरीके से ऋषभ पंत मैदान में आकर तूफानी बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर ऋषभ पंत को अगर मौका मिला तो वह मेरी जगह टीम में तो लेने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त खिलाड़ी हैं। दोस्तों युवराज सिंह ने तो ऋषभ पंत की तारीफों के पुल ही बांध दिए और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी ही तूफानी बल्लेबाजी करना जानता है और वह युवराज सिंह की जगह भी ले सकते हैं उनके हिसाब से। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत युवराज सिंह की जगह ले पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह हम सबके चहेते खिलाड़ी जो कि अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, उनके संन्यास लेते ही जैसे क्रिकेट की दुनिया में तो मानो खलबली सी मच गई है। एक तरफ जहां भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी इस समय वर्ल्ड कप खेलने में व्यस्त है तो वहीं युवराज सिंह के संन्यास ने सबको सदमे में पहुंचा दिया है। सबको यह बात अच्छे से मालूम है कि युवराज सिंह को काफी लंबे अरसे से टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था जिसका दबाव इतना ज्यादा हुआ कि युवराज सिंह ने आखिरकार संन्यास ले ही लिया है। अब क्रिकेट की दुनिया के छोटे खिलाड़ियों की बात कर जाए या फिर दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, सब ने सोशल मीडिया पे आकर युवराज सिंह के फैसले पर अपनी टिप्पणी करी है। हर दोस्तों जिसकी जो कोई भी टिप्पणी हो लेकिन युवराज सिंह के इस फैसले से कहीं ना कहीं हर कोई दुखी भी है। युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी हजारों में एक होता है और यह बात इस बात से साबित हो जाती है कि जब युवराज सिंह को पहले कैंसर था तो उस स्थिति में भी वे अपनी टीम को जिताने के बारे में ही सोच रहे थे। जब ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए संन्यास ले ले तो कहीं ना कहीं धोनी जैसे खिलाड़ियों का भी दिल पसीज जाता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए महेंद्र सिंह धोनी ने भी युवराज सिंह के संन्यास पर अपना दुख व्यक्त किया है। अपने इस छोटे से बयान में धोनी ने युवराज सिंह के लिए कहा कि यूवी के संन्यास की अचानक मिली यह खबर काफी ज्यादा अचंभित करने वाली है। युवराज मेरे अजीज दोस्तों में से एक है, साथ ही मैं जानता हूँ कि वह वापस से टीम में आने के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। लेकिन अगर युवराज सिंह ने संन्यास लेने का फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा और हम सभी इस फैसले का सम्मान भी करते हैं। मेरे नजरिए में युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी लाखों में एक होते हैं। शायद ही भारतीय टीम को आगे चलकर भविष्य में युवराज सिंह जैसा योद्धा मिल पाएगा। एक समय पर जब युवराज सिंह की मरने की हालत हो गई थी तब भी उन्होंने कैंसर को छोड़कर अपनी टीम को जिताना जरूरी समझा और एक अकेली इसी बात से पता चल जाता है कि युवराज सिंह अपने देश और देशवासियों से कितना ज्यादा प्यार करते थे। युवराज सिंह ने अपने करियर से मुझे काफी कुछ सिखाया, साथ ही जब मैंने डेब्यू किया था तो मुझे याद है कि युवराज सिंह के साथ मैंने कितना ज्यादा क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि आने वाली जिंदगी में भी उन्हें इसी तरीके से सफलता मिलेगी और युवराज सिंह का नाम तो ऐसे ही क्रिकेट की दुनिया में गूंजता रहेगा। दोस्तों अपने इस बयान में धोनी भी जरूर भावुक हुए होंगे क्योंकि युवराज सिंह उनके काफी ज्यादा दिल के करीबी व खास दोस्त जो थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या युवराज सिंह ने संन्यास का फैसला लेकर सही किया है या फिर गलत, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही इस खबर से युवराज सिंह के फैंस देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से इकट्ठा हो गए हैं और सोशल मीडिया पर उनके वापस आने की उम्मीद में हैं। लेकिन युवराज सिंह अपना अंतिम फैसला सुना चुके हैं, साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वह अपने संन्यास को तो नहीं तोड़ेंगे। आपको बताएंगे कि युवराज सिंह ने अपने पूरे इंटरव्यू में क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें युवराज सिंह के इस तरीके से अचानक संन्यास लेने की खबर कुछ दिनों से आ ही रही थी लेकिन फिर आईसीसी ने युवराज सिंह को इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के लिए कुछ काम से बुलाया और अब जब युवराज सिंह भारत वापस लौटे तो उन्होंने अपने संन्यास की खबर से जैसे सारे देश को ही सत्ते में डाल दिया है। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में तो खलबली ही मच गई है, साथ ही सभी क्रिकेट के खिलाड़ी अपने सोशल मीडिया पर युवराज सिंह का जिक्र छेड़े हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि शुरुआत से युवराज सिंह ने सबसे पहले तो एक बेहद ही लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी जिसमें लगभग हर टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद थे जिनके सामने आखिरकार युवराज सिंह ने यह कबूल लिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। इस भावुक बयान में चलिए आपको सुनाते हैं कि युवराज सिंह ने आखिरकार क्या कहा। मुझे लगता है कि यह संन्यास लेने का सबसे सही मौका है। काफी लंबे अरसे से मेरा मकसद यही था कि मैं भारतीय टीम में एक बार फिर से अपनी जगह बना पाऊं लेकिन मैं नाकाम रहा। अब चाहे इसे चयनकर्ताओं का फैसला कह लीजिए या फिर मेरी डगमगाती हुई फॉर्म, विश्व कप खेलना हमेशा से ही मेरा सपना था और 2019 में मैं भी अपनी टीम के लिए इंग्लैंड में तिरंगा लहराना चाहता था। लेकिन जब मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और अब मेरी जगह टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि संन्यास लेने का यही सबसे बढ़िया मौका रहेगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जगह अब युवा खिलाड़ी खेलें और आगे चलकर वह अपने देश का नाम रोशन करें। इस क्रिकेट के करियर में मैंने काफी कुछ सीखा, जिंदगी से लड़ने से लेकर अपनी टीम को हर एक मुश्किल हालत में जिताने तक। अपने देश के लिए खेलना ही मेरा पहला कर्तव्य था और आगे भी मेरी यही सोच रहेगी कि मैं किसी को इतनी प्रेरणा दे सकूं कि वह अपने देश के लिए कुछ कर सके। साथ ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भारत देश व दुनिया भर में मौजूद मेरे सभी एक एक फैन
फैन का, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनके प्यार की वजह से ही मैं कैंसर जैसी स्थिति में भी अपनी टीम के लिए खेल पाया और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच पाया। अपने फैंस के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे फैंस